हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय शो सक्सेस रेसिपी। दिस इज सामा अहमद और आज हमारे साथ एक बहुत ही यंग गाय मौजूद हैं जो कि बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन की वजह भी हैं। और इनके बारे में मैं कुछ बताता चलूं कि ये 9th क्लास में पढ़ते हैं और एज इन्होंने बताई 13 इयर्स। और इस उम्र में ये एक पॉलिटिशियन है और एक पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन भी है। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही मोहब्बत रखते हैं और मजीद अब हम इनसे जानेंगे। जी अहमद नवाज, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अहमद, थैंक यू सो मच आपने इस इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूँगा कि जैसे मैंने आपके बारे में थोड़ा बताया लेकिन मैं पूरा बता नहीं सका, तो प्लीज़ आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाइए। मैं बताता हूँ जी, मेरा नाम अहमद नवाज है, चिन्योट पंजाब पाकिस्तान से, और मैं 9th क्लास का स्टूडेंट हूँ। अभी मेरी प्री 9th चल रही है और स्टडी में भी मैं स्टडी वाइज भी काफ़ी अच्छा हूँ। और इसके साथ साथ 2016 से जब से लाइव आए हैं तब से मैं लाइव प्रोग्राम्स कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ी सी अपनी स्टोरी सुनाना चाहूँगा, इंट्रोडक्शन भी है इसमें, ठीक है? तो जब मैंने अपने लाइव स्टार्ट किए तो उस टाइम मुझे नहीं पता था लाइव कैसे करते हैं, मैं अपना कैमरा ऑफ करके बोलता था। तो फिर मैंने काफ़ी लोगों से मशवरा किया तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं, आप, मैं बता देता हूँ आपको, रेहान अल्ला वाला, ये आप तो जानते हैं। तो उनकी मैंने प्रोफाइल चेक की और जब मैंने प्रोफाइल चेक की तो उसके बाद उनसे मेरा एक मशवरा हुआ। उस टाइम तक वो भी नहीं लाइव का, उनको वो भी इंटरव्यूज का नहीं कहते थे लोगों को, तो फर्स्ट पर्सन मैं ही हूँ जिसने ये लाइव स्टार्ट किया करना, इंटरव्यूज करना शुरू किए। और उसके बाद मुझे तरक्की मिलती गई। मैं पहले सोच रहा था मुझे कौन देखेगा, मैं इंटरव्यूज़ करूँगा, मेरा क्या फ़ायदा होगा। फिर पाकिस्तान के काफ़ी ऐसे लोग हैं हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले जिन्होंने ख़ास तौर पे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया, जिसमें सेनेटर्स भी हैं, असम्बली के मेंबर्स भी हैं, उन सब के इंटरव्यूज़ किए। कुछ तो यूट्यूब पे मौजूद हैं मेरे जो सेनेटर वगैरह के हैं ना, और बहुत अच्छा लगा। इससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ और कॉन्फिडेंस बूस्ट होने के साथ साथ मुझे नॉलेज इतनी ज़्यादा मिली। मैं कहता हूँ बुक्स से मुझे इतना कुछ पढ़ने को नहीं मिला जितना मुझे सोशल मीडिया ने सिखाया, और मैं सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज़ किया, जो कि हर बच्चे को पॉजिटिव यूज़ करना चाहिए, ना कि उसको नेगेटिव यूज़ करना चाहिए, ठीक है? उसके बाद ये मेरा शुरू से ही ख्वाब था कि मैं पॉलिटिशियन बनना चाहूँगा, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि बेटा आपकी एज इतनी छोटी है तो कोई 13-14 साल की उम्र में पॉलिटिशियन नहीं बन सकता। आप अगर आप कहीं का मेंबर ही बनना चाहते हैं असम्बली का, तो उसके लिए पहले तो काम बहुत सारे करने पड़ते हैं, और फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकेंडली 25 एज मिनिमम। फिर मेरी फैमिली ने, मेरे फादर ने, मेरी मदर ने मुझे मशवरा दिया, अगर आप करना ही चाहते हो तो आप गरीब लोगों की मदद करो, अपनी पॉकेट मनी से मदद करो और लोगों से भी हेल्प लो, और आप जो पार्टी बनाना चाहते हो आप, ठीक है, आप पार्टी अभी बना लें, ठीक है, आप अभी उसको सोशल मीडिया से स्टार्ट करें, क्योंकि पार्टी तो पार्टी है, वो तो आप जहाँ मर्जी स्टार्ट करें, क्योंकि आप देख रहे हैं पीटीआई भी ऐसी स्टार्ट हुई है इमरान खान की, तो मैंने अब इसको स्टार्ट कर दिया है। अब इसमें बहुत सारे मेंबर्स ढूंढ रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग ढूंढ रहा हूँ जो कि मेरे साथ मेरे सिटी चिन्योट में निकल के सोशल वर्क करेंगे, ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ सोशल मीडिया पे बैठ के, वो जाके मेरे साथ वर्क करेंगे और लोगों से जाके लोगों के मामलात पूछेंगे, जिनकी जैसे भी हेल्प कर सकते हैं उनकी हेल्प करेंगे, और ये सिलसिला सारी जिंदगी जारी रहेगा। और इसमें बहुत सारे काम करने हैं, वो इंशाल्लाह आपको आहिस्ता आहिस्ता बताते रहेंगे और सामा भाई बताते रहेंगे। जी सामा भाई, वेरी गुड अहमद, बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान के। अच्छा थोड़ा सा ये बताइए कि आपने जैसे बताया कि आप पहले भी काम कर रहे हैं और कर चुके हैं, इंटरव्यूज कर रहे हैं, और पॉलिटिशियन बनना ये आपका ख्वाब था, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि एट अ वेरी यंग एज, जैसे बच्चों को खेलने कूदने से फुर्सत ही नहीं मिलती,
बहुत ज्यादा भी हो या मोबाइल यूज करना हो तो मोबाइल पे वीडियो गेम्स बच्चे खेलते हैं, तो कैसे आपको आपके आपको ख्याल आया कि नहीं मुझे इंटरव्यूज करने चाहिए, नहीं मुझे मुझे जो है ना इसकी तरफ सोशल वर्क की तरफ आना चाहिए? व्हाट इज वाज द स्पार्क, क्या स्पार्क था आपके लिए? कौन जैसे आपने बताया कि इंस्पिरेशन आपकी मिस्टर रेहान अलावाला है, तो क्या कि किस चीज़ ने आपको स्पार्क किया कि आप ये सारे काम करें? एक्चुअली तो मेरी जो इंस्पिरेशन है वो कायदे आजम है, ठीक है। और हमारी इंस्पिरेशन तो कायदे आजम है और हमारे नबी हैं, ठीक है। तो इसके अलावा मैं आपसे बात बताना चाहूंगा कि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कैसे इस काम की तरफ आया। तो ये काम कुछ ऐसे था कि शुरू में तो मैं छोटा था, तब तो जाहिर सी बात है कि मैं टॉयज से खेलता था, और आज तक कभी मैं वो शायद उन बच्चों में से हूँ जो कि आज तक कभी गली में निकल के नहीं खेला प्रॉपर तौर पे। अगर क्रिकेट खेलते थे तो अपने घर पे ही खेलते थे छत पे, ठीक है, और बैडमिंटन खेलते थे। ये सब कुछ छोड़ना पड़ गया वो इसलिए क्योंकि जब मैं खुद गया हूँ उन इलाकों में, कराची, लाहौर, फैसलाबाद के, जहाँ मुझे कुछ ऐसे लोग देखे जिनके पास एक टाइम की रोटी खाने का पैसे भी नहीं थे। और फिर मैं देखता था उस टाइम किसकी हुकूमत थी, ठीक है, मैं उनकी बात नहीं करूंगा, जिसकी भी हुकूमत थी, मतलब मैं चाहूंगा मेरी हुकूमत होना, तो मैं उससे पहले जिस तरह हमारा सिटी है, मेरा एक्चुअली माइंडसेट कुछ ऐसा है, और मैं किस वजह से इस काम की तरफ आया हूँ, मेरा माइंडसेट ऐसा है कि अगर मेरा मोहल्ला है ना, मैं इसमें से देखूंगा 100 घरों में जाऊंगा जिनको, जो वाकई जिनको जो जरूरतमंद है उनकी हेल्प करूंगा। ऐसे ही करके आप एक शहर को कर सकते हैं सही, और ऐसे ही करके आप पूरे मुल्क को सही कर सकते हैं। तो ये लीडर 30-30 साल से बैठे हैं और इनसे थोड़ा सा भी काम ही हो सका, तब के हमारे पास इतना पैसा नहीं है। काश मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं एक लीडर बने बगैर भी ये काम कर सकता था, जिनके पास हजारों अरब डॉलर है और वो सिर्फ अपनी जाती पर्सनली लाइफ को देखते हैं कि हम अपनी लाइफ के लिए बनाएं, ना कि लोगों के लिए बनाए, ना कि आवाम के लिए बनाए, सिर्फ कुर्सी का लालच होता है लोगों। तो मैं चाहूंगा कि कुर्सी का लालच ना हो और वर्क किया जाए, बैठ के वर्क किया जाए। तो इस वजह से मैं लोगों को देखता था कि लोग जॉब करते हैं और लोग बिजनेस करते हैं, लोगों को आर्मी में जाने का बड़ा शौक होता है, तो मेरा शुरू से कुछ ऐसा शौक नहीं था। मैंने कहा अगर जॉब चाहिए तो फिर जॉब ऐसी करनी है कि मैं मुल्क की खिदमत करूंगा, तो उससे अच्छी जॉब नहीं हो सकती, और पैसे का इतना मुझे नहीं है, बिजनेस भी करेंगे इंशाल्लाह। तो यही है कि मुझे जॉब करनी है तो मुश्किल है, ये मेरा आंसर है। माशाल्लाह, बहुत नए ख्याल आते हैं आपके। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि मैं लोगों के जो हालात देखता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैं उनके हालात बदलना चाहता हूँ, तो बात मेरे दिमाग में ये आ रही है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो वाकई मुल्क कौम की खिदमत कर रहे हैं, और इन अ डिफरेंट वे, जैसे आपने ही नाम लिया रेहान अला वाला का, उनकी भी पॉलिटिकल पार्टी है इंसान पार्टी, और एक और साहब को मैं जानता हूँ, उनका नाम है वकार जका, वो एक टेक्नोलॉजी पार्टी पाकिस्तान वो उसको ऑन आप करते शायद, हैं। मैं एक और बंदे की बात करना चाहूंगा, आप शायद हसन अदील को जानते होंगे, एक छोटा बच्चा है जिसकी नहीं, उम्र अभी 12-13। मैं ज्यादा लोगों को तो नहीं जानता, क्योंकि पॉलिटिकल पॉलिटिकल व्यूज में मैं बहुत कच्चा हूँ अभी। बहरहाल, जिनको मैं जानता हूँ मैं उनकी बात करूंगा, आप उनसे उनके साथ भी जुड़ सकते थे, कि जैसे रेहान अला वाला के साथ जुड़ सकते थे, वकार जका के साथ जुड़ सकते थे, उनके भी नए ख्याल आता। मैं उनके जज नहीं करूंगा कि वो कैसे हैं कैसे नहीं है, ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। तो आप जी उनके साथ क्यों नहीं जुड़े? आप अगर जीरो से स्टार्ट करेंगे तो आपके बहुत टाइम लग जाएगा एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़े करने में, सियासत का एम्पायर खड़ा करने में। तो अगर आप मेरे ख्याल में उनके साथ जुड़ जाते हैं तो आप ज़्यादा जल्दी जो है ना अपने मकसद को पूरा करने में कामयाब हो सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा बताएं कि क्या ये जी आपको अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी बनाने की क्यों इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, और ये लास्ट ऑप्शन क्यों था आपके लिए? जी अब इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा, हम लोग चिनियोट से हैं, तो यहाँ पे जिस तरह प्रोविंशियल मिनिस्टर थे पीटीआई की तरफ से, ठीक है, उनके आगे जो कजन्स वगैरह थे वो हमारे फैमिली रिलेटिव्स लगते थे, तो उन्होंने मुझे ऑफर की थी कि आप पीटीआई में आए, आपको फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट का चाइल्ड विंग का देते हैं, ठीक है, ओहदा,
और अगर आप, उन्होंने मुझे इस हद तक ऑफर की थी कि आपको खान साहब से मिलवा देंगे, तो यही बात है। आप कह रहे हैं कि रिहान अल्लाह वाला या वकार जका, एक्चुअली मैं चाहता था कि मैं जीरो से स्टार्ट करूं और मैं एक अपना अच्छा नाम पैदा करूं, ना कि मैं किसी की पार्टी में जाऊं। 100 इख्तलाफात होते हैं, उन्होंने भी 100 गलतियां की होती हैं पहले, तो मैं चाहता था कि मैं उन सबसे अच्छा अपने एक नाम बनाऊं, जीरो करप्शन, नथिंग एनीथिंग। तो मैं इसलिए चाहता था कि मैं जीरो से स्टार्ट करूं, बेशक मेरी सारी जिंदगी लग जाए, लेकिन जो मेरा है ना प्लान, मैं उसी मकसद पे लगा रहूंगा। मैं एक काम पे लगता हूँ तो मैं एक काम को नहीं छोड़ूंगा, तो मैं सारी जिंदगी बेशक क्यों ना लगे, लेकिन मैंने अपनी ही पार्टी बनानी, मैंने ठीक मैं किसी के साथ नहीं करूंगा। जी ठीक है। नहीं, आपका ख्याल है कि आप जीरो से स्टार्ट करेंगे, चाहे आपकी सारी जिंदगी लग जाए, लेकिन आपने अपना नाम पैदा करना और अपनी पार्टी को ग्रो करना है। ठीक है, आपके ख्याल भी अपनी जगह ठीक है। हो सकता है कोई इस बात से आपसे एग्री ना करे, बट आपको पूरा राइट है कि आप अपनी राय कायम करें। अच्छा उसामा भाई, बहुत सारे लोग इख्तलाफात करते हैं इन बातों में, आई नो। ठीक है ठीक है ठीक है। वो इख्तलाफात बरहक के आप किसी को ये नहीं कह सकते कि नहीं आप मेरी पॉइंट से एग्री करो, और कोई आपको नहीं कह सकता कि नहीं वो आप उनके पॉइंट से एग्री करें। ये एक मुल्क ऐसा है कि जिसमें आप अपनी राय और कायम रख सकते हैं, और आज़ादी के साथ जो है जी ना हर चीज़ को आगे लेके जा सकते हैं। लेट्स कंटिन्यू द इंटरव्यू। अच्छा अहमद नवाज, आप जैसे आपने मैट्रिकुलेशन अभी पास नहीं किया, जैसे जो भी स्टूडेंट्स मैं मिलता हूँ उनसे दो ही सवाल पूछता हूँ मैं। सबसे पहला सवाल तो ये होता है कि आप किस क्लास में इस वक्त हैं। जैसे आपने बताया अपनी 9th में है। नेक्स्ट मेरा सवाल ये होता जी है कि आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं बड़े होके। कि तो मैं अभी आपसे यही पूछूंगा कि बिसाइड पॉलिटिशियन के अलावा, यानी आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या होगा। एजुकेशन बैकग्राउंड, एक्चुअली हमारी प्लानिंग ये है, क्योंकि जो मेरे फादर थे वो ये भी चाहते थे कि हम डॉक्टर बने, तो अभी मैट्रिक होगा और मैट्रिक के बाद मेरा टोटल प्लान है कि मैंने क्या पढ़ना है, वो यही है कि या तो मैं आर्ट से पढ़ूंगा या तो मैं साइंस से, क्योंकि अभी तो हम लोग फिलहाल साइंस से पढ़ रहे हैं, तो साइंस से ही पढ़ना चाहिए, तो बेटर यही है कि आप FSC करें, FSC करने के बाद आप MBBS को प्रेफर करते हैं, हम लोग एज अ साइड डॉक्टर बनना चाहते, बट डॉक्टर शो नहीं करूंगा बट पढ़ूंगा जरूर MBBS। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ इत्तेजाद है, लोग लोग भी आपसे कर सकते हैं, मैं आप मौके पे आपसे कर लेता हूँ ताकि लोगों को उनकी बात का जवाब मिल जाए। जैसे आपने कहा पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, तो आप पॉलिटिक्स की पढ़ाई क्यों नहीं करेंगे आप, यानी डॉक्टर क्यों बनना चाहेंगे, क्योंकि आप तो डॉक्टर की जी प्रैक्टिस तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे, तो फिर डॉक्टर क्यों बनना चाहेंगे। पॉलिटिक्स की पढ़ाई भी करें ना, मतलब कि ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में या मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस में लोग बहुत ज़्यादा आके तरक्की करते हैं, PhD तक जाते हैं, तो आप क्यों उसको नहीं परस्यू कर रहे हो, क्यों आप डॉक्टर डॉक्टर बनना चाह रहे हैं। ओके, वो एक्चुअली बात इसमें आ जाती है, कुछ फैमिली इश्यूज आ जाते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं इस स्टडी को भी अगर करना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान के आइन को पढ़ूँ और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को पढ़ूँ जो कि कायद आजम के जमाने की थी और आजकल की जो पहली पॉलिटिक्स थी उसको पढ़ना जरूर चाहूंगा, पाकिस्तान के आइन को पढ़ना चाहूंगा और एक्चुअली देखना चाहूंगा सिचुएशन क्या है और सब कुछ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो बहरहाल वो भी पढ़ेंगे, ठीक डबल स्टडी करेंगे, लेकिन अब फैमिली की जो बात है उसको पूरा करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो मेरी मामा चाहती है वो एक अलग बात। है, यानी आप चाहते हैं कि आप फैमिली की बात भी रख लें कि वो आपको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, और आप अपने अभी पैशन को परस्यू करें कि आप पॉलिटिशियन करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छे ख्याल आते हैं आपके। अभी ये भी है शायद कुछ चेंजिंग हो जाए तब ठीक है, यानी अभी लाइफ आगे तक। पड़ी है, आपका चेंज आप कर सकते हैं, आपके मैं पसंदाइश है। आपसे एक और बात शेयर करना चाहूंगा, ठीक है, वो ये बात मैं शेयर करना चाहूंगा कि शायद आपको मैंने ये बात नहीं बताई कि मैं ARY वगैरह में भी गया हूँ, कराची में, और इन सब लोगों से मिल चुका हूँ, जिस तरह इकरार हुसैन है वो भी काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, टीम सारे आम पे, उनके साथ बहुत सारे हमारे मुलाकात भी हुई है, तो मैंने इनके बारे में आपको नहीं बताया, वो भी बता देता हूँ थोड़ा बहुत। जब मैं इंटरव्यूज कर रहा था
जब मेरे 100 इंटरव्यूज हुए थे तो मुझे एआर वाई से कॉल आई थी और बुलाया था मुझे स्पेशल कराची 2019 मई के एंड पे। अब 3 साल हो गए इस बात को। तो मुझे उन्होंने बुलाया था कराची और मैं कराची गया हूँ, एआरवाई के सेट पे गया हूँ, एज अ गेस्ट वहाँ पे गया हूँ। वहाँ पे सारे डायरेक्टर्स थे और इकरारुल हसन, वसीम बादामी, उन सबसे बैठ के भी मैंने यही बात की है जो मैं आपको आज कह रहा हूँ ना। मैंने उन सबसे 3 साल पहले ये बात तय की थी कि मैं बड़े होकर काम करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे वो बहुत अप्रिशिएट किया था क्योंकि वो भी वही काम करते थे। और टीम सारेआम के तकरीबन 200 से 300 मेंबर्स तो मैंने बनवाए हैं जो कि अभी वर्क कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में उनके साथ मिलकर। सोशल वर्क मैंने भी बहुत सारे लोगों को ताउन किया है तो मुझे अब ताउन मिलेगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद भी है उन लोगों ठीक है से। ठीक ठीक है। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, उम्मीद तो रखनी चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अच्छा मैं आपसे अब पूछना चाहूँगा कि आपने बहुत सारे लोगों को देखा है, पढ़ा है, सुना है, और उनसे मिलने का आपको आपको जो है ना मौका मिला है, तो कोई ऐसा वाकया शेयर करें कि जिसने आपकी ज़िंदगी पर बहुत असर डाला हो और जिसका आपकी अमली ज़िंदगी में, अब नेक्स्ट आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे उसमें उसकी जो है ना इमेज नजर आएगी, तो ऐसा वाक्य हमारे साथ शेयर करें कि जो आपकी जिंदगी में बहुत मायने रखता हो। अच्छा, ऐसा वाकया जो मेरी जिंदगी में बहुत मायने रखता हो, ऐसा कौन सा वाकया हो सकता है? यही वाकया हो सकता है जो मैंने आपको बताया है। आप किससे में पूछ रहे हैं मुझे वो बताएं? वो तो मैंने आपको पहले बताया, क्या चीज़? मतलब वो तो मैंने आपको पहले वाकया बताया है कि वो बहुत मायने रखता है जो सोशल वर्क मैं करूंगा, लोगों की खिदमत करूंगा, वो तो तो वो ठीक मेरे है, साथ वो तो ठीक है आपकी जी। बात, उसके अलावा लेकिन लेकिन कोई और चीज़ शेयर करें ना कि जैसे आपने बहुत सारे लोगों को देखा सुना और आपने देखा कि आपने लोगों की हालात देखे और आपको अच्छा नहीं लगा, तो क्या उसमें चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी, क्या आपने देखा, क्या आपने नोट किया, कुछ ऐसी बात शेयर करें कि जो आप मैसेज भी देना चाहते हैं इनडायरेक्टली, तो आपकी बात से किसी को फायदा हो सके, तो ऐसा कोई वाक्य शेयर करें आप। ओके 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 ओके, सही सही सही। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि देखे, मैं मेरा पॉलिटिक्स में आने का भी यही जो बात है वो यही बात थी कि ये जो पॉलिटिशियन जो आजकल है हमारे ऊपर जो लीडर हैं, ठीक है, मैं किसी को बुरा नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन ये लोग जो वर्क कर रहे हैं मेरे हिसाब से जीरो है। अब देखे, इमरान खान की अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो वो मेरे थोड़े उनसे माइंड मिलता है, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि बंदा डोनेशंस जमा करे और हॉस्पिटल्स बनाए। और मैं सबसे बड़ी एडवाइस टीनेजर्स के लिए एडवाइस देना चाहूँगा, टीनेजर की बात करना चाहूँगा। टीनेजर में मैं बात आपको एक बता देता हूँ। एक बच्चा था, उसका मैंने इंटरव्यू किया था, मुझसे तो वो यंगर है, छोटा है, ठीक है। मैंने उसका इंटरव्यू किया, उस टाइम वो मुझे बताता था कि अहमद, मैं पाकिस्तान के लिए सोशल वर्क करना चाहता हूँ। मैं उससे पूछता था तुम ये कैसे करोगे? कहता है, उस अपना वाकया थोड़ा सा शेयर किया कि एक आदमी को मैंने रोटी दी और उसके हाथ नहीं धुले थे, उसने पता नहीं पानी में, शायद पानी से उसी रोटी से हाथ साफ किया और वही रोटी खा दी, तो उसको वो वाकया नहीं भूलता। और वो लड़का आज पाकिस्तान में नाम बना के बैठा है, बीबीसी में भी उसका इंटरव्यू हुआ है, और वो डेली के तौर पे 700 से 1000 लोगों को अपनी खर्ची से खाना खिलाता है, दस्तरखान बिछाता है, और मैं भी उसका भी हेल्प करता हूँ, ठीक है। अब उस लड़के का वाकया था, तो इसलिए मैं टीनएजर्स को एडवाइस देना चाहूंगा कि जो मैंने आपको बातें बताई हैं कि पाकिस्तान की खिदमत कीजिए, क्योंकि हम लोग एक आजाद कौम है, ठीक है, जो कायद आजम ने हमें आजाद कौम बनाया था, तो हम लोग वैसे आजाद कौम है। और इसके अलावा जो इमरान खान की बात को मैं एग्री करता हूँ, जो भी वो पाकिस्तान के लिए उन्होंने किया बहुत अच्छा किया है, और जो अभी गवर्नमेंट करी है वो बिल्कुल अच्छा नहीं करी। तो ये बच्चा बच्चा पाकिस्तान का जानता है, और मैं सबको यही एडवाइस दूंगा कि पाकिस्तान के लिए वर्क करें और गरीब लोगों के लिए वर्क करें, जिनको जरूरत है आप उनकी जरूरियात को जितना पूरा कर सकते हैं करें, चाहे आप 2 रुपए दें, 10 रुपए दें, 15 रुपए दें, जितनी आपकी हैसियत है, लेकिन आप वर्क करें। मैं ये एडवाइस देना चाहूंगा टीनेजर्स को, और बहुत ठीक सारी है एडवाइसेस हैं वो इंशाल्लाह देंगे। ठीक है, इंशाल्लाह देंगे। अच्छा आप स्कूल्स और एकेडमी भी जाते होंगे यकीनन अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के लिए, तो एज अ पब्लिक फिगर आप इस सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, तो कैसा वो आप उनके उनका
पॉइंट ऑफ व्यू होता है आपको देख के, आप वो कैसा, क्या आपसे आपको कहते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, या क्या उनके तासरात हैं, वो ज़रा शेयर करें कि आपके जो क्लास फेलोज हैं, दोस्त हैं, बाब हैं, वो उनके क्या ख्याल आते हैं आपके बारे में। जी बिल्कुल। अभी मैं आपको बताता हूँ, हम जिस माहौल में रहते हैं ना, ठीक है, चिनियोट है ये सिटी है, यहाँ 90% लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि हम अपने लिए करते हैं, कभी किसी दूसरे के लिए यहाँ पे नहीं करते। यहाँ के मतलब टीचर्स है ना, उसमें से एक दो टीचर्स हैं जो मुझे 20 to 50 टीचर्स में से सिर्फ दो अप्रिशिएट मुझे करती हैं इस काम में, कि हाँ जो तुम एक बहुत बड़ा नाम बनाओगे, और बाकी सारे मजाक उड़ाने वाले यहाँ लोग हैं। मैं बिल्कुल आपको सीरियस बात कर रहा हूँ, मेरे 99.9.6% फ्रेंड्स हैं जो कि मेरा मजाक उड़ाते हैं इन सारी बातों को लेकर, ठीक है। वो कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, और यही बात मुझे पावर देती है कि मैं और ज्यादा उभर के आता हूँ उस काम पे। मेरा सिर्फ एक एक बंदा है जो मुझे सपोर्ट करता है, ठीक है, मेरी फैमिली है और एक मेरा फ्रेंड है, और कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं करता, जो सीधी बात है कहीं पे। ठीक है, बहुत बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह ये करके दिखाना चाहिए, ये बातों से नहीं होता, ये करके दिखाएंगे तो वो आपको करेंगे ना अप्रिशिएट। जी जी करके दिखाना चाहिए। तो उसामा भाई एक और बात कहना चाहूंगा, मुझे याद आ गई है, हम लोग जहाँ रहते हैं यहाँ चिनियोट से फैसलाबाद रोड, और चिनियोट से सरगोधा, चिनियोट से जंग, ठीक है, और जिनियोट से पिंडी पटिया, ये चारों रोड 40 साल हो गए हैं कि 40 साल से यहाँ के एमएन एमपीएस कह रहे हैं कि हम ये रोड बनाएंगे, और अब तक पैसा ले लेके खा गए हैं, किसी ने 10 रुपए उस रोड पे नहीं लगाए। तो इस वजह से भी मेरा इसमें आने का प्लान है। ठीक पॉलिटिक्स आने का। जी बिल्कुल है, बहुत अच्छी बात है। मेरा भी मैसेज उनको यही है कि को जो अगर अच्छा काम करने की नीयत रखता है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उसको डीमोटिवेट करके उसका बिल्कुल ही मोराल डाउन डाउन बंदा कर दे। अच्छा, नेक्स्ट मैं यही आपसे पूछूंगा कि उनको, फ्रेंड्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जो आप आपको डीमोटिवेट करते हैं, क्या आपके लिए आप उनके लिए आपका आपका मैसेज है। उनके लिए यही मैसेज है, जो उनको कहा है वो करके दिखाएंगे, और जब करके दिखाएंगे तो वो खुद देखेंगे। ठीक है, अच्छा। और क्या आप इसके अलावा आप क्या अपनी लाइफ के साथ करना चाहते हैं, क्या गोल्स हैं आपकी लाइफ में इसके अलावा। हाँ, गोल्स ये हैं कि जो मैंने अपनी जिंदगी में जो बिजनेस करना है, बेशक वो क्लोथिंग का बिजनेस हो या किसी भी चीज का बिजनेस हो, ठीक है, मैं आपसे थोड़ी बहुत और शेयर करना चाहता हूँ बातें। जो मेरे जो फादर है ना, एक्चुअली उनकी तरफ से भी हमें बिजनेस पहले ही से मेरा सेटल है, ठीक है, हम लोगों के एक्चुअली में इदारे हैं, स्कूल्स हैं हम लोगों के, और मेरे फादर खुद भी डायरेक्टर कॉलेजेस पंजाब है, 70% पंजाब उनके अंडर है, स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैं, और हमारा अपना भी स्कूल यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो उसके अलावा मैं ये कहूंगा कि मेरा जो भी बिजनेस होगा, या मेरा यूट्यूब, मैं यूट्यूब का भी बहुत शौक रखता हूँ, यूट्यूब पे मेरे दो यूट्यूब होंगे, एक पे मैं लोगों को अच्छी बातें बताऊंगा, मोटिवेट करूंगा, और दूसरे यूट्यूब पे पॉलिटिक्स होगी, बट दोनों में से जितनी मुझे पेमेंट आएगी जब मैं अर्निंग करूंगा तो 90% वो डोनेट करूंगा मैं। 90% मेरा पहले ही एग्रीमेंट होगा, 90% तो डोनेट होगी, मैं 10% रखूंगा उसमें से, जिससे मैं सिर्फ अपना खर्चा चला सकूंगा, बाकी 90% मेरे हर काम मेरा बिजनेस होगा, या मेरे फादर की तरफ से जो मुझे स्कूल्स दिए जाएंगे उनमें से भी 90% डोनेशन हो, ये मेरा बात है, अगर मैं कुछ और अलग से करना चाहूंगा तो। ठीक है, अच्छा। आपने ये भी मेंशन किया अपने इंट्रोडक्शन में कि 3 वेबसाइट्स आप बनाना चाहते हैं, तो वो वेबसाइट किस लिए होंगी, ये थोड़ा ये भी बता दें आप। जी, वो एक फर्स्ट वेबसाइट जो है, जो सबसे अच्छी वेबसाइट होगी, वो इसलिए होगी जिसपे आप हमें हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे, ठीक है, और जितनी आप हमारे साथ जितना काम करेंगे, जो सबसे ज्यादा वर्क करेगा हमारे साथ उसको उस हिसाब से हम लोग बड़े से बड़ा ओहदा देंगे, और बहुत ज्यादा उससे मेरे दिल के करीब होगा वो बंदा जो ज्यादा पाकिस्तान के लिए काम करेगा, एक वो वेबसाइट होगी। दूसरी वेबसाइट होगी कि अराउंड द वर्ल्ड आप डोनेट कर सकते हैं,
और आप टेस्ट कर सकते हैं मुझ पे, ठीक है? मैं आपको उसका प्रूफ दूंगा, आप मुझे डोनेट करें, और वो मैं उसमें खुद भी डोनेट करूंगा, मेरी फैमिली भी करेगी, और सीनियर से भी बहुत सारे ताबून हम लेंगे, क्योंकि मैं अकेला नहीं इस काम को कर सकता, हम सब ने मिलके करना है ये काम। तो एक वेबसाइट उसकी होगी और थर्ड वेबसाइट मेरे नाम से होगी, कि उससे मैं बताऊंगा कि मैं अहमद नवाज हूँ और मेरे क्या क्या मैं कर रहा हूँ और क्या क्या मेरे काम है। अगर मेरा यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, वो सारे प्लेटफॉर्म उससे मौजूद होंगे। तो तीन मेन वेबसाइट है, और ये वेबसाइट बनाने में भी मैंने काफी लोगों से भी किया है कॉन्टेक्ट, तो वो इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएगी। तो समय भाई आप पहले ही देख लेंगे वेबसाइट इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, आपने ये भी बताया कि आप डोनेशंस भिगवाना चाहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी से, और खुद अपने पॉकेट से मनी से भी आप सोशल वर्क करना चाहते हैं थ्रू थ्रू डोनेशंस। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने अभी तक कितने अपने पॉकेट मनी से आपने इसमें इस सोशल वर्क में लगाए हैं, और आपको डोनेशंस जो आए हैं वो कितने इस अब तक की जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से बताएं आप। अभी तक जो मैंने जो ओवरसीज डोनेशंस हैं वो मैंने नहीं लिए हैं, बट चिन्योट से, हमारे पाकिस्तान पंजाब से, यहाँ से अराउंड 5 to 10,000 मुझे मिले होंगे। बट मैंने जो अपनी तरफ से दिए हैं वो आप कह सकते हैं कि वो शायद थाउजेंड ऑफ डॉलर्स में होंगे जो मैं कर चुका हूँ, लेकिन वो मैं दिखाया नहीं है अभी तक। मैंने वो मैं दिखाऊंगा तब जब मेरी टीम वर्क होगा, तो मैं बताऊंगा कि मैं कहाँ किस इलाके में जा रहा हूँ, और आप भी आइए, आप भी खिदमत कीजिए साथ। और इसके अलावा आपने एक और क्वेश्चन पूछा, मैं भूल गया हूँ, सॉरी, आई एम सॉरी। अच्छा, मैंने पूछा है कि आपने अपने कितने लगाए हैं और ओवरसीज से आए जो आए हैं वो कितने लगाए हैं, दो क्वेश्चन पूछे हैं आपसे मैंने। जी, मैं काफी ज्यादा लगा चुका हूँ, और मैं आपको एक और बात शेयर करना चाहूंगा। आप ट्रीज का देखते हैं ना, तो मैं हर साल अपनी पॉकेट मनी से 1400 ट्रीज लगवाता हूँ, पूरे पाकिस्तान के हर शहर में 10 10 ट्रीज, 140 सिटीज में। ये मैं हर साल करता हूँ, 4th अगस्त to 14th अगस्त। और इस बार हमारा प्लान है कि इस बार हम 10,000 से 14,000 के दरमियान लगाएंगे पौधे, और वो आपको लाइव दिखाएंगे अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं चाहूँगा कि इस इंटरव्यू को एंड कर दूँ। अहमद नवाज, मैं चाहूँगा कि आप जाते जाते कोई मैसेज देना चाहते हैं तो वो आप दे दें, फिर हम आपसे ज़्यादा चाहेंगे। ठीक है, अच्छा, तो मैसेज मैं बस यही देना चाहूंगा कि अब 14 अगस्त भी आने वाली है, तो मेरे साथ टीनेजर्स मिलके, यहाँ मोस्ट वेलकम मेरे पास हैं, और हम मिलके पाकिस्तान को ग्रीन बनाएंगे, ठीक है? और ताकि हमारे यहाँ गर्मी भी कम हो, क्योंकि गर्मी में बहुत फर्क पड़ता है, पाकिस्तान के मौसम में बहुत फर्क पड़ेगा, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान को हरियाला कर देंगे। तो आप सब भी मिलके अपने अपने शहर में लगाइए बेशक, लेकिन मुझे अपने वीडियो क्लिप जरूर भेजिएगा 14 अगस्त पे, जितने आपने पौधे लगाए हैं, और मैं भी आप लोगों से मिलके पौधे लगाऊंगा। और बाकी जितना मैंने आप लोगों को कहा है कि आप अपनी पॉकेट से जितनी हेल्प कर सकते हैं, 2 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, वो हेल्प जरूर कीजिए, और बस यही कहना चाहूंगा दो बार। ठीक है, तो ये हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद थे अहमद नवाज, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन हैं, और इन्होंने अपने गोल्स और अपने जो फ्यूचर प्लानिंग्स हैं वो हमारे साथ शेयर की हैं, अपना और अपने अपना और अपने जानने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अहमद नवाज से हम फिर मिलते रहेंगे, और उनके जो फ्यूचर फ्यूचर की प्लानिंग्स हैं और वो जो अचीव अचीव कर कर लेंगे वो हमारे साथ शेयर करते रहेंगे। और अभी हम आपसे जाना चाहेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।